जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई है, भोला चाह जी दिन त रात कैसे हुई है। दयालु तीनों लोग के मालिक हैं, जनजन के मालिक हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा तुम्हारी, वाराणसी नाथ ममनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। भगवान का पावन पवित्र, आज बड़ा पवित्र महीना ई सावन महीना, आज बड़ी दर्शन करके बहुत खुशी हुई, आनंद एकदम गदगद हो गया मन, धन्य हो गया बाबा का दिन। कहाँ पे जल चढ़ाने आए हैं, कैसा अनुभव रहा? अयोध्या स्थित नागेश्वरनाथ मंदिर है, काफी पौराणिक मंदिर है और आज सावन का आखिरी सोमवार भी और आखिरी दिन भी, साथ में पूर्णिमा का भी संयोग है, इसी वजह से आज जल चढ़ाने की अलग महत्व मानी जाती है। यह नागेश्वरनाथ मंदिर भगवान श्री राम जी के पुत्र लवकुश जी ने बनवाया था। काफी सावन में काफी ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए, श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और अपनी जल चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अनेक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर मन्नतें मांग कर जाते हैं और आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन मुझे भी जल चढ़ाने का यहाँ पे सौभाग्य। आज सावन का लास्ट सोमवार था, पुनवासी दिन था, भोले बाबा का दिन था। भीड़ बहुत ज्यादा है, किसी तरह से दर्शन हो गया, लेकिन दर्शन बढ़िया हो गया। क्या मानते हैं आज के महत्व को लेकर? बहुत बढ़िया महत्व है आज का, भोले बाबा सबका कल्याण करें, भला करें। त्रिभुवननाथ मिश्रा लखनऊ से जी। आज ये पूर्णमासी है, एक तो सावन का लास्ट सोमवार है। किस तरीके का जलाभिषेक हुआ आपकी? आपको ठीक हुआ है? कैसे भीड़ दिख रही है? भीड़ तो ठीक ठाक है, 3 बजे लाइन लगे थे लेकिन वो आराम से दर्शन हो गए, जल भी चढ़ गया। आज बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि आज सावन का लास्ट सोमवार है और पूर्णमासी तिथि है, भीड़ बहुत ज्यादा है। हम लोग 3:30 बजे से लाइन में लगे थे, अब दर्शन हो पाया है। लेकिन दर्शन बहुत बढ़िया हुआ, व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, दर्शन बहुत अच्छा हुआ, भीड़ बहुत ज्यादा। आज तो आखिरी सोमवार है, बढ़िया सावन चल रहा है, अभी पुनवासी भी है, रक्षाबंधन भी है,
देख लिए कितना श्रद्धालु आपके अयोध्या में जुटे हुए हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। कितनी भीड़ नजर आ रही है? अरे बहुत भीड़ है, वहाँ से घाट से लेकर यहाँ तक लाइन लगी है। हमारा जन्म 1.5 घंटा हो गया। आज सावन का पांचवा सोमवार है और पूर्णिमा में आपने सरजू माँ का स्नान किया, क्या मंशा है? ये चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की ये नगरी है और यहाँ पर सुख शांति समृद्धि बनी रहे, पूरे देश की मतलब भला हो। और ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आज सावन का आखिरी सोमवार है और शंकर भोले बाबा की दर्शन करने के लिए सब आए हैं, अपने अपने लाभ का मतलब अर्जित। आपने सावन के आखिरी सोमवार पूर्णिमा के दिन स्नान किया सरजू माँ से, क्या मन्नत मांगी, क्या मनोकामना रही? यही मन्नत माने हैं कि भगवान शंकर बाबा भोलेनाथ विश्व में शांति बनाए रखे, सबकी समृद्धि को पूरा करे और पूरे देश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सबका भला हो। कहाँ से आए, कहाँ कहाँ दर्शन पूजन किया आपने? हम यहीं से आए हैं, अयोध्या से ही हैं हम, और अभी हनुमान गढ़ी और नागेश्वर नाथ बाबा का भी दर्शन करेंगे हम और सरजू माता की दर्शन करके भोले बाबा का दर्शन करने हैं। क्या नाम आपका? ललित सिंह। जय सियाराम। 12 बजे रात से लाखों की संख्या में भक्त माँ सरजू में भगवान राम की नया दृष्टि हो गया है, राम राज आ गया है, भगवान पर भक्त एकदम सुपुर्द हैं। जय सिया राम। तो माँ सरजू में लोग स्नान कर रहे हैं, नागेश्वर नाथ जल चढ़ा रहे हैं, कितना पावन पवित्र महोत्सव है। मैं स्नान कर रहे हैं, नागेश्वर को कालेनाथ को दर्शन कर रहे हैं, जन्मभूमि को दर्शन कर रहे हैं, कनक भवन को दर्शन कर रहे हैं, शुद्ध बुद्ध भूल करके भक्त पड़े हैं अयोध्या धाम में। जय सिया राम। क्या नाम गुरुदेव? चंद्रदेव दास। कहाँ से आए? बिहार से। आज सावन का पांचवा सोमवार है, पूर्णिमा भी है, लोग नागेश्वर नाथ सरजू स्नान कर रहे हैं, नागेश्वर नाथ जल चला रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कैसे इनको दर्शन कराया जा रहा है, क्या कहना? सावन झूला मेला पिछले 7 तारीख से चल रहा है और आज 19 तारीख है और रक्षाबंधन भी है, सावन का अंतिम सोमवार है। आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन इसकी सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था प्रॉपर की गई है। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 6 जून में विभाजित किया गया है और इनके अंतर्गत सेक्टर बनाए गए हैं। 8 जून नागेश्वरनाथ मंदिर को, हनुमानगढ़ी जोन, इसके अलावा ट्रैफिक जोन और सभी जगह हमारे कर्मचारी मौजूद हैं। सिस्टम से सभी को स्नान, नागेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन, हनुमानगढ़ी में दर्शन और जन्मभूमि में दर्शन कराए जा रहे हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करके अपने गंतव्य को प्रस्थान में कर रहे हैं। सर जो स्नान कर रहे हैं वहाँ PSC भी, NDRF, जल पुलिस भी लगी हुई है। देखिए जल पुलिस और NDRF और हमारी जो फ्लड कंपनी है, बाढ़ राहत और लोगों को जल में डूबने से बचाने के लिए ये घाट पर तैनात हैं, लोग बागों को चेतावनी दे रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है PSC की विभिन्न कंपनियां हैं जो ड्यूटी रत हैं और
लोग बागों को जो है सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। ट्रैफिक प्रॉपर डाइवर्जन किया गया है, जो यात्री जिस रोड से आ रहे हैं उसी पे पार्किंग की व्यवस्था करके उनको सुगम रास्ते से मेला क्षेत्र में लाया जा रहा है। मैं जय गुरुदेव स्वामी जी हूँ, कर्नाटक से ज्ञान योग मंदिर से आया हूँ और यहाँ बाबा विश्वनाथ के मंदिर में लगभग 15 दिन से साधना कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आनंद भी हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है कि मैं उसका कह नहीं सकता हूँ। और बाबा का जो दर्शन जो करेगा उसका जन्म पावन होगा और उसका मोक्ष मिलेगा। जो भारतवर्ष में ऐसे एक क्षेत्र है ये काशी का, बहुत बड़ा विश्वासिक और श्रद्धा से जो आएगा उनका पुण्य तो बहुत कुछ मिलेगा। मैं इतने से कह सकता हूँ क्योंकि आप लोग सब आइए और बाबा का दर्शन करिए और अपना जन्म का मोक्ष कर लीजिए। विजयकांत तिवारी, दर्शन हो गया। आज सावन का लाड सुमार है और जिसमें आज बहुत दिव्य दर्शन हुआ और अति प्रसन्नता हुई। आज अत्यधिक भीड़ है, चारों सुमार से मिला के आज पांचवें सुमार सबसे ज्यादा भीड़ है और प्रशासन यहाँ पे अच्छी व्यवस्था अपना रखा हुआ है और किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है, सब अच्छे दर्शन कर रहे हैं। थोड़ा और सुरक्षित हो जाए बस हो गया। मेरा नाम अशोक सिंह है, बनारस का ही, चंदौली का, और दर्शन के लिए बाबा ने बुलाया तो दर्शन हो गए हमारा। बाबा का दर्शन हो गया जो है, हर सोमवार को जो है दर्शन करने आते हैं जो है, और आज भी बहुत भीड़ है, उसके बाद भी दर्शन बाबा करके देखा जाए। सावन का अंतिम सोमवार है जी, और भीड़ काफी संख्या में उमड़ी है, इससे आप क्या कहेंगे? बाबा का इतलोकी है जो है, यहाँ दूर दूर से बनारस के अलावा जो है पूरे देश से जो है लोग आकर यहाँ दर्शन करते हैं जो है बाबा का जो है, और जो लोग दर्शन करते हैं सबका कल्याण होता है, बाबा के आशीर्वाद मिलता है। आशुतोष सिंह है, हर सोमवार को हम लोग दर्शन करने बाबा का आते हैं और इतने जबरदस्त भीड़ है, इसके बावजूद भी हम लोग जो है बाबा के प्रति श्रद्धा हम लोगों की अटूट है और हमेशा की तरह आते रहे और आते भी रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।